50 हजार भवन की व्यवस्था कैसे हुई। 28 अगस्त 2024 को माननीय विधायक श्री निरंजन कुमार मेहता और माननीय सांसद दिनेश चंद्र यादव जी के द्वारा संयुक्त रूप से रघुनाथपुर में पंचायत सरकार भवन निर्माण का शिलान्यास किया गया। मौके पर ग्रामीण का ढेर सारा हुजूम रहा। वहीं ग्रामीण हर्षोल्लास के साथ उनके सभा में शरीक लिए, अपना उपस्थिति दिखाए और उनके भाषण को सुने। साथ ही दूसरी ओर मौके पर आइए सुनते हैं माननीय विधायक जी को। 50 हजार भवन की व्यवस्था कैसे हुई, हम लोग इस बात को याद करें पहले क्या था और अब क्या है। जब से 2005 से माननीय मुख्यमंत्री महोदय नीतीश बाबू को हम लोग सत्ता शासन चलाने का भार दिए हैं, तरह तरह का काम, तरह तरह का विकास आप लोगों के आगे है, जिसका वर्णन करने में समय लगेगा, लेकिन वर्णन क्या करना है। मैंने अथक प्रयास से माननीय मुख्यमंत्री महोदय नीतीश बाबू के साक्षात आशीर्वाद से उस कार्य को हमने कराया और जब तक वह कार्य नहीं हुआ था 2 साल में ब्रिक बैंक से, ग्रामीण कार्य विभाग से आपको धराही के सम्मानित जनता जन को रास्ता देने का भी प्रसाद में काम किया था। इधर से या रोड आएगी वह भी आप जान लीजिए कि पटना से जो है वह बिदुपुर बंसिंग सराय सिमरी बख्तियारपुर उदा किशनगंज बगल में आपके उदा किशनगंज धंधा होते हुए बिहारी होते हुए पूर्णिया एक्सप्रेस वे यह जाएगी और इसमें अभी हम लोग 6 घंटा में पटना जाते हैं, यह बन जाने के बाद 3 घंटे में हम लोग पटना जाएंगे। एक्सप्रेस वे बहुत अच्छा सड़क होता है, अभी सबसे टॉप सड़क में उसका नाम आता है। बिहार के सभी पंचायत में पंचायत सरकार भवन हम बनाएंगे। बताते चले कि पटना टू पूर्णिया यानी कि पटना से पूर्णिया दलसिंह सराय होते हुए उदा किशनगंज बिहारीगंज को टच करेगी। जो हाईवे बनने वाली है उस पर भी माननीय सांसद जी ने सब कुछ विस्तार रूप से बताए, कैसे उनका जो प्रोसेस करवाए और कब तक बनने वाला है, क्या प्रोसेस है। आइए सुनते हैं माननीय सांसद महोदय को। एक सड़क की स्वीकृति जो इस बार हम कराए हैं, जो पटना से पूर्णिया तक एक्सप्रेस हाईवे निर्माण की स्वीकृति हुई है, उस पर 12,000 करोड़ रुपया खर्च होगा। उस राशि की भी मंजूरी भारत सरकार ने देगी। वो 6 लेन सड़क होगा, बिहार में आज तक 6 लेन सड़क बना ही नहीं। जब वह सड़क बंद हुआ तो पूर्णिया से 3 घंटा में लोग पटना जाए, सड़क पर चढ़ेंगे 2.5 घंटा में लोग पटना जाएंगे और सिमरी बख्तियारपुर में सड़क पर चढ़ेंगे तो 2 घंटा में लोग पटना पहुंच जाएंगे। इस तरह बुलाया और सभी लोगों से मुलाकात भी हुई। धन्यवाद।